यहाँ पे मैं 6:30 को उठ गई थी और मैंने अभी इंट्रोडक्शन शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अभी हम लोग जो है ना, वो सब लोग रूम छोटे होने की वजह से सब लोग नीचे सो रहे हैं, तो इस वजह से फिर सब लोग उठ जाते, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर कुछ मैंने नहीं बोला। और यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म बातों बातों में चेंज कर लिया था, और यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कल जो है ना, वो अपने मामू के घर गई थी, तो वहाँ पर मैंने मेहंदी लगवा के आई थी, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आया। यहाँ पर मैं अपना जैकेट पहन रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है वैसे, और सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। फिर यहाँ पर जैकेट पहनने के बाद मैंने जो है ना, वो ब्रश किया था, और उसके बाद फिर मैं, मुझे सुबह जो है ना, वो कोई भी ब्रेकफास्ट करने की हैबिट नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो है ना, वो बहुत जल्दी ब्रेक पड़ता है। पहले जो है ना, वो 9:30 को इस समथिंग पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग जब हमारी छुट्टी का टाइम होता है ना, उसके आधे घंटे पहले फिर एक ब्रेक पड़ता है। तो यहाँ पर गाइज अभी रहती है मेरी टिफिन की बारी, तो टिफिन में कुछ खास मैं नहीं ले जाती हूँ, इसको मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो दो ब्रेक होती है मेरी, तो एक ब्रेक में मतलब ये हम लोग खा लेते हैं जो 10 मिनट का ही होता है, उसके बाद जो 15 मिनट का जो होता है ना, उसके अंदर हम लोग फिर नीचे जाते हैं, 15 to 20 मिनट का रहते हैं अगर फ्री लेक्चर रहता है तो यहाँ पर हम लोग नीचे फिर जाते हैं, तो हमारी कैंटीन में काफ़ी अच्छा जो है ना, वो ब्रेकफास्ट हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर मैं अपना बेस क्लियर कर रही थी, जैसे मैं सारे सब्जेक्ट के जो है ना, वो नोट्स बना के रखती हूँ अपने रफ बुक में, तो वो उसको मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है, वो हमारे पॉजिटिव जो है वो वर्क करता है हमारा माइंड, तो उसको उस हिसाब से हम अगर पढ़ते हैं तो फिर हमारा जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहते हैं, और हर एक चैप्टर की मैं जो है ना, वो छोटी छोटी नोट्स जो क्विक होती हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, और उसको याद रखने की ट्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा मेरी अच्छी है, मतलब मैं उसको ऐसे बोल बोल के पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं, और उसको मैं जो है वो डेली मतलब पढ़ती रहती हूँ, तो मेरा बेस काफ़ी अच्छे से क्लियर रहता है, और मुझे काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करने में मज़ा आता है। वरना साइंस में किसको मज़ा आता है भाई, साइंस और सोशल साइंस में अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है जब से मैं ये ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पर अभी मैं अपना बेस क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही थी अपना टाइम टेबल को बदल रही थी, मतलब जैसे मेरा जो कल का टाइम टेबल था ना, वो आज नहीं होगा सब्जेक्ट, तो फिर मैं आज दूसरा लेकर जाऊँगी वैसे, और फिर यहाँ पर मैं ड्राइंग बुक ले रही हूँ क्योंकि आज मेरा फ्री लेक्चर भी है। तो बस अभी चलते हैं स्कूल, और यहाँ पर मैं फाइनल रेडी हो गई थी पूरा, और अभी 6:56 या ऐसा कुछ समथिंग टाइम हो रहा था, मैं अभी आपको दिखा दूँ कितना टाइम हो रहा है। और बस यहाँ पर अभी ये जो मेन बुक है मेरी, रफ बुक है, उसको मैं रख देती हूँ अंदर, और बस अभी बाहर निकल के आपसे बात करते। अच्छा से यहाँ पर मैं अभी फाइनली रेडी हो गई हूँ, और अभी आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ठंड में ना यहाँ पे बहुत ही देर से सनराइज होता है, यहाँ पर अभी तक सनराइज नहीं हुआ।
वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का 7 बजे का व्यू कैसा है। और बस अभी मेरी अभी 15 मिनट्स है, मुझे 7:15 को जो है ना वहाँ स्टॉप, ये जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे मुझे खड़ा रहने, तो वहाँ पर मेरी बस आ जाएगी। और भाई ठंड तो इतनी यहाँ पर है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे पानी भी इतना कोल्ड आता है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथ डालते हैं तो हमारी फ्रीज हो जाती है फिंगर्स। तो यहाँ पे बहुत ठंड है, आपके वहाँ कैसी ठंड है मुझे बताना। और यहाँ का अब आज का मतलब ऐसे व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा है और एकदम कोल्डेस्ट है। और मैं आपको 6 बजे का दिखाती तो यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं। घर से निकल गई है वो भी मेरे साथ ही आती है। तो बस अभी चलते हैं स्कूल, और मैं स्कूल के बाद फिर घर आने के बाद मैं सूट करूँगी क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है, स्कूल में अलाउड नहीं है। और मेरा ध्यान वहाँ है कि मेरी कहीं बस चली ना जाए। तो बस मैंने देखा, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैं एंटरटेन कर सकूँ आप लोगों को। तो बस अभी चलते हैं, वहाँ स्टॉप पे खड़े रहते हैं और फिर आपको दोपहर में मिलते हैं घर आ जाने के बाद। तब तक लिए बाय बाय। ओके सो यहाँ पर मैं फिर स्कूल से आ गई थी घर, और आज बनाया था मम्मा ने गोश्त का सालन चावल और सलाद बनाया था। और यहाँ पर डैडी भी आ गए थे साथ में हमारे साथ, और बस अभी फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं और फिर शाम। ओके सो गाइस यहाँ पर फिर हम लोगों ने दोपहर में रेस्ट किया था, उसके बाद फिर जो है ना वो हम 7:30 बजे फिर हम लोग जो है वो बाज़ार के लिए निकल गए थे। तो मुझे नाश्ता वगैरह करना था इसलिए, और मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी इस वक्त। पर आ गई थी मैं गांधी जी के जो कीर्ति मंदिर है वहाँ पर, और यहाँ से मैंने अपना पार्सल करवा लिया था क्योंकि वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था इसलिए। फिर मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। सो मैंने यहाँ पर चीज़ मार सैंडविच ली थी और गार्लिक ब्रेड ली थी, लेकिन यहाँ घर पहुँचा तो मतलब जो गार्लिक ब्रेड का चीज़ था वो स्ट्रिच नहीं हुआ क्योंकि वो ठंडा हो गया था, और यहाँ पर पहुँचे लेट भी हो गया था इसलिए। फिर आई होप आप सभी को मेरा ये वाला